नमस्कार, जय माता दी मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि आपके भी मन में है कोई ऐसी इच्छा जो बिल्कुल पूर्ण नहीं हो रही, कितना भी परिश्रम कर लिया आपने, कितनी भी पूजा पाठ कर ली, किए कई उपाय आपने, पर आज भी वह इच्छा अधूरी की अधूरी है, तब लेकर आई हूँ एक चमत्कारिक अद्भुत मंत्र। तेज पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस मंत्र का जप करने मात्र से केवल और केवल एक बार में आपकी जैसी भी हो इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा क्यों ना हो, वह अवश्य पूर्ण होती है। यह 100% प्रमाणित है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी दुनिया है जहां कोई ऐसा रोग नहीं जिसका इलाज नहीं। जब हमारे मन में कोई इच्छा पनपती है, अर्थात हमारा सूर्य, हमारा शुक्र और हमारा चंद्रमा बहुत अधिक एक्टिव हो जाता है। वह हमारे मन में उत्तेजनाओं को बढ़ाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है। किंतु यह भी जरूरी है कि हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा, हमारा शुक्र और हमारा सूर्य उसी प्रबल गति से तेज हो, तभी जाकर हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, अन्यथा हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। परंतु एक मंत्र है, भगवान शिव का एक अद्भुत चमत्कारिक मंत्र, जो कुंडली में आने वाले दोष को मिटाता है, हमारे ग्रहों से जो अशुभ फल हमें प्राप्त हो रहा है उसे कम करता है। यदि हमारा कोई नक्षत्र हमें शुभ फल नहीं दे रहा तो उसे मोड़ देता है, दिशा देता है हमारे जीवन की ओर। एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र जिससे जैसी भी कामना हो आपकी, चाहे मन लायक जॉब नहीं मिल रहा हो आपको, चाहे आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, विवाह की बात बनकर टूट जा रही है या कहीं से भी धन नहीं आ रहा आपको, यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हो आप, या मन चाहा जीवन साथी, लव मैरिज करना चाह रहे हैं आप, या संपूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, चाहे जैसी भी हो इच्छा आपकी, एक तेज पत्ते पर लिखी जाने वाली आपकी यह इच्छा, यह मंत्र अवश्य 100% आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अद्भुत चमत्कारिक है यह टोटका, चमत्कारिक है ये उपाय। भगवान शंकर की ऐसी कृपा बरसती है इस मंत्र के जप करने मात्र से। तेज पत्ता एक अद्भुत पत्ता जिसे जलने के बाद भी जिसकी खुशबू खत्म नहीं होती। तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में तेज पत्ते का अपना एक महत्व है। जब भी वशीकरण किया जाता है किसी को सम्मोहित करने के लिए, तब तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है, हमें ज्योतिष के द्वारा अपना स्वास्थ्य ठीक करना होता है, तब तेज पत्ते की बात आती है। और जहाँ कामना पूर्ति की बात आती है, इच्छा पूर्ति की बात आती है, तो 100% सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है तेज पत्ता। आज इसी तेज पत्ते पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लिखें अपनी इच्छा, किस दिन लिखें और कैसे करें इस अद्भुत चमत्कारिक मंत्र का जप कि आपकी इच्छा 100% पूर्ण हो। इससे पहले जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, यह उपाय आपको बुधवार के दिन करनी है। हर माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह उपाय भी शुक्ल पक्ष का है। माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले किसी भी बुधवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक स्वस्थ बड़े साइज का तेजपत्ता। तेजपत्ता सूखा हुआ होना चाहिए, कच्चा या पेड़ से तोड़कर तेजपत्ता ना लें। जिस तेजपत्ते का प्रयोग हम रसोई घर में व्यंजन बनाने के लिए लेते हैं उसी को लें, धो लें, पोंछ लें, अच्छे से साफ कर लें। खास करके मकड़ी का जाल बिल्कुल ही ना हो इस तेजपत्ते के चारों ओर, या धूल लगी ना हो, कटा फटा या जला हुआ ना हो। आप ले एक हरी रंग की कलम, शरीर पर हरा वस्त्र धारण करें। संपूर्ण हरा ना भी हो, परंतु कुछ ना कुछ हरा अवश्य पहन ले। मुंह में रख ले एक हरी इलायची, तब तक आप कोई भी भोजन ना करें। बुधवार के दिन पूरब की ओर चेहरा करके आप इस तेज पत्ते पर हरी कलम से अपनी एक इच्छा संपूर्ण शब्दों में लिख दें।
शब्दों में कमी ना हो, यदि आपको संतान प्राप्ति के लिए चाह है, तब आप इस पत्ते पर पूर्ण रूप से अपनी भाषा में लिखें कि मैं माँ बनना चाहती हूँ या मैं पिता बनना चाहता हूँ, मुझे जल्द ही संतान की प्राप्ति हो। इस तरह से खुलकर बड़े शब्दों में अपनी इच्छा तेज पत्ते पर साफ साफ लिख दें। आपको भगवान शिव की या तो मूरत हो या शिवलिंग हो या तस्वीर हो, आप किसी भी चीज़ के सामने बैठ जाएं। यदि आप अपनी पूजा रूम में कर रहे हो तो आप शिव जी के या शिवलिंग की तस्वीर के सामने भी बैठ सकते हैं। मुंह में हरी इलायची हो, हरी कलम से आपने तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखकर शिव जी की तस्वीर के सामने रख दें। आपको अब एक मंत्र बताती हूँ। इस मंत्र को आपको 11,000 बार जप करके अभिमंत्रित करना है। 11,000 बार आप कितने दिन में जप कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। चाहे तो आप 5 दिन में या 1,000 करके 11 दिन में या इन्हें 21 दिन में या 5 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मंत्र है, ओम ईन ह्रीन कंग ह्रीन ईन ऊम। इस मंत्र को आपको 11,000 जप करके उस तेज पत्ते को अभिमंत्रित करना है। आप जितने दिन में कर सकें, सक्षम हो, करें। बुधवार से प्रारंभ करके नित्य। महिला कर रही हो, यदि बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, यह टूट जाएगा, आपको पुनः स्वच्छ होकर करना होगा। पुरुष कर रहे हो तो जब तक यह 11,000 जप कंप्लीट ना हो, तब तक नॉनवेज ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन और मन से स्वच्छ रहें। अभिमंत्रित कर लेने के बाद जिस दिन आखिरी दिन हो, 11,000 जप हो, आपको इस तेज पत्ते को उसी समय लाइटर जला के, माचिस जला के, जलाकर शिव जी के सामने खाक कर देना है। आपकी इस इच्छा पर जो ग्रहण लगी हुई है, जो नकारात्मक शक्तियों की वजह से यह इच्छा नहीं पूर्ण हो रही थी, उसी क्षण इस तेज पत्ते को जलाकर स्वाहा कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। इसका राख भी जो बचे उसे आप किसी पौधे में दे दें या पानी में घोल दें। भगवान शंकर को नमन करें और एक बात मान लें कि बस आपकी इच्छा पूर्ण होने की राह पर आज अभी इसी क्षण से है। 100 नहीं 1,000% आपकी कामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर की कृपा बरसे आप पर। ईश्वर करे आपका यह उपाय सार्थक हो। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। धन्यवाद।